जय श्री राम दोस्तों। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो या हमारा चैनल पहली बार विजिट करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को और शेयर जरूर करना, जैसे मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रैपिड वेल्प्स का एक IPO, अपकमिंग IPO है, तो उसके ऊपर वीडियो होने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिसमें मैं आपको इसमें एक एनालाइज दूंगा, जिससे आप एक आइडिया लगा सकोगे कि आप इस IPO में अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। पर पहले ही बोलूँ, आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि आप अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक आइडिया मिलता है कि आप अप्लाई करें या ना करें, बाकी अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। तो आज की जो वीडियो मैंने बताया कि रैपिड वैल्यू जो लिमिटेड का IPO होने वाला है उसके ऊपर होने वाली है, तो एवरीवन आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर एवरीवन, क्योंकि हम आपको बहुत वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहते हैं और आपके लिए बहुत जल्दी एक नई सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं हम, तो बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जितने जल्दी सब्सक्राइबर होंगे हमारे उतने जल्दी हम आपके लिए सीरीज प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है एवरीवन, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बाकी आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सभी के लिंक्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को, तो वहाँ पे जरूर ज्वाइन करिए हमको, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में द्वारा ही लिंक ज्वाइन करिए। इधर उधर से लिंक ज्वाइन करने से आप फ्रॉड का शिकार बन सकते हो। तो एवरीवन तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलो दोस्तों, इसमें हम पूरा रिव्यू करेंगे, इसका GM पे चल रहा है, कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंशियल क्या रहने वाले, फ्यूचर क्या रहने वाला है, पूरा ओपिनियन बात करेंगे हम। तो बस आपको वीडियो का अंदर जरूर देखना, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना एवरीवन। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने आपको IPO का नाम बताया, वैसे ये IPO का नाम है रैपिड वेल्प्स लिमिटेड का। ये कंपनी इनक्रॉप हुई थी लगभग 2002 में इनक्रॉप हुई थी, और ये एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी है। और कंपनी करती क्या है वर्क, जैसे आपने टैप जो होता है हमारा, नल होते हैं उसमें जो पानी का जो फ्लो होता है, जो से रोकता है, जो मतलब फ्लो जो मतलब फ्लो को रोकता है, उसको रोकने जो जो मतलब जो उसमें मतलब बनते हैं जो मतलब बल्ब बल्ब होते हैं जो लगते हैं छोटे छोटे, मतलब पानी को रोकता है, जो पानी का जो फ्लो होता है उसे रोकने का जो बल्ब लगता है छोटा सा, उसे बनाने का मैन्युफैक्चरिंग करने का वर्क करती है कंपनी। बेसिकली आपने टंकी या मोटर्स में भी आप आते हैं, जिसमें हम टंकी जैसे बंद कर देते हैं तो जो फ्लो होता है पानी का आने वाला वो रोक देता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का ये वर्क करती है कंपनी। और बेसिकली बात करें तो कंपनी लगभग ये IOSS से भी इस कंपनी जो सर्टिफिकेट इसको है, लगभग आपको यहाँ पे जो यहाँ पे और इसके कंप्यूट जो इसके कंप्यूटेशन है जो आप यहाँ पे बेसिकली पढ़ सकते हो। कंपनी की बात करें तो अभी लगभग कंपनी के 47 इसके एम्प्लॉय हमें वर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी को अभी लगभग अभी ज़्यादा साल तो हुए नहीं अपने सेक्टर में, और आपको भी वीडियो को अंदर जरूर देखना, मैं ओपिनियन भी दूंगा अपना। और अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल पे आए तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है तो लगभग कंपनी ने ग्रोथ देखने के लिए मिली, बेसिकली इसमें ज़्यादा ग्रोथ तो देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि ये एक SME यानी स्मॉल का जो मैनेजमेंट कंपनी होती है उसका ये एक नया IPO आया है। तो बेस आपको पता ही है बहुत सारे आपको बिना IPO आए हैं, तो आपको वीडियोस मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रुकना है। अगर हम एसेट्स की बात करें, एसेट्स में मुझे ग्रोथ तो देखने के लिए मिली है, पर जो मैं ग्रोथ चाहता हूँ जैसे 2022 से बात करूँ 2023 में, तो इसमें थोड़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली। अगर हम रेवेन्यू पे आते हैं, रेवेन्यू में लगभग हमें इसमें 2022 और 2023 में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, फिर यहाँ पे लगभग इतने डबल ग्रोथ देखने के लिए मिली है 2023 से 2024 में। और अगर प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी ने आफ्टर टैक्स बाद भी कंपनी को अच्छी मतलब ग्रोथ है इसमें भी। अगर कंपनी के नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी ईयर ओवर अच्छी ग्रोथ कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो पर हमें सबसे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि 2022 में ये कंपनी जो थी लगभग नेगेटिव में चल रही थी, तो ये मुझे इसमें बात करते तो लगभग अभी लास्ट 2 ईयर से ही इसने प्रॉफिट बनाना थोड़ा नेट सॉरी नेट वर्थ बनना शुरू हुआ है। बेसिकली इसका जितना ज़्यादा नेट वर्थ नहीं चल रही जब लगभग 2022 में, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ देख मतलब नहीं देखने के मिले नेट वर्थ।
तो बाकी पर अभी इसने लास्ट सेकंड 2 ईयर्स में अच्छी ग्रोथ दिखलाई है नेटवर्थ में भी। पर अगर मैं कंपनी के रिजर्व्स की बात करूँ, कंपनी का जो रिजर्व्स हैं लगभग अभी तो नेगेटिव, अब कुछ कंपनी के पास थोड़ा बहुत रिजर्व्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और लगभग पहले तो कंपनी का कुल पहले बहुत उधारी थी, और लगभग लास्ट 2 ईयर में कंपनी ने बहुत लॉस करा, उसके बाद कंपनी के कुछ अभी रिजर्व कंपनी के पास अभी देखने के लिए मिले हैं। अगर हम टोटल बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास अभी भी थोड़ा बहुत जो बोरिंग है तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा भी से कह सकते हैं, कम भी कह सकते हैं। और वैसे तो IPO से पहले जो प्रोमोटर्स लोगों के जो शेयर प्रोमोटर्स लोग हैं उनकी हिस्सेदारी थी लगभग 69% थी इनकी हिस्सेदारी जो इनके प्रोमोटर्स लोग हैं, और IPO के बाद लगभग 51% की रह जाने वाली है। तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लगा क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, लॉस में थोड़ी बहुत चल रही है, उसके बाद भी कंपनी के जो IPO लेकर आने के बाद तो थोड़ा लग रहा है कि, और उसके जो जो प्रोमोटर्स लोगों के शेयर होल्डर्स हैं जो प्रोमोटर्स लोग हैं उनकी हिस्सेदारी और कम हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है, पर आपको वीडियो को अंदर जरूर देखना, मैं इसमें बताऊंगा आपको ओपिनियन भी। और अगर मैं कंपनी के जो IPO की बात करूँ, ये ओपन आपको पता ही है 23 तारीख को ये आपको ओपन होते दिख जाएगा और 25 तारीख को क्लोज हो जाएगा। पर अगर मैं इसके GMP की बात करूँ तो कंपनी का अभी जिस समय मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, GMP यानी ग्लोबल मार्केट जो इसका जो प्रीमियम है, GMP जिस समय भी वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय 0 चल रहा है अभी, तो कोई इसकी डिमांड तो दिख नहीं रही, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी होती है बहुत बहुत रेयर चांस होते हैं जिसमें लोग अप्लाई करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये स्मॉल कैप कंपनी तो मुश्किल है, इसमें छोटा मतलब पैसे ही मांग रही है कंपनी, पर ज़्यादा पैसा मांग रही। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको टेलीग्राम का, वहाँ पे जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएगी अगर इसके GMP कुछ ओपन होता है, या इसका इसका अगर एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपको एंकर लिस्ट का भी बताऊँगा इसमें। और अगर मैं बात करूँ तो ये IPO वेट ये बताऊँ तो बताया था मैंने आपको 23 तारीख को ये ओपन हो जाएगा और क्लोज आपको 25 तारीख को ही क्लोज होते हुए दिख जाएगा। लिस्टेड वीडियो के भी आगे मैं आपको बता दूँगा। कंपनी ने जो अपना फेस वैल्यू रखी गई है लगभग 10 रुपये पर शेयर रखा गया है, और अगर मैं कंपनी की प्राइस बैंड की बात करूँ तो लगभग 222 से रखा गया कट ऑफ प्राइस जो कंपनी ने रखा है अपना। अगर लॉट साइज करते तो लगभग 600 शेयर्स का पर लॉट हो सकता है, लॉट है हमारा मतलब। और अगर बात करें तो जो इसका लगभग जो कंपनी ने इशू करें लगभग 30 करोड़ 41 लाख रुपये कंपनी ने इशू करें, यानी स्मॉल कैप कंपनी छोटा पैसे ही मांगती है। और देखते हैं क्या होता है, अभी वीडियो को तो अभी बहुत बड़ी पड़ी है, आपको वीडियो को देखना है, इसमें लास्ट में ओपिनियन भी मिलने वाला है, वेट करो वीडियो का। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लगभग फ्रेश इशू पूरा कंपनी के पास जाएगा, बाकी ये जो सेक्टर लिस्ट होगा ये NSE में मैंने बताया ये आपको, ये SME में होगा यानी स्मॉल जो मैनेजमेंट कंपनी होती है उसी में ये थोड़ा स्मॉल में आएगा, बाकी NSE के सेक्टर में लिस्ट होगा। कंपनी की बात करें तो लगभग ROE है यानी रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय, की तो लैंड इसकी वैल्यू सी मुझे थोड़ी बहुत पॉजिटिव लगी ROE। और अगर इसकी ROCE की बात करें यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, इसमें भी लगभग हमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और अगर मैं कंपनी का जो डेप्ट की बात करूँ, डेप्ट कंपनी के पास लगभग है ठीक ठाक है, कम है 1% अगर, बेसिकली एक छोटी कंपनी भी है, थोड़ा लॉस करा है थोड़ा बहुत कंपनी में, थोड़ा बहुत डेप्ट है तो है, पैसे हम थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा डेप्ट नहीं भी है, क्योंकि बेसिकली एक छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो अगर 1% से नीचे हो तो थोड़ा नीचे सही माना जाता है, पर स्मॉल कैप कंपनी तो उसके हिसाब से भी एक बहुत ज़्यादा माना गया है, पर वैसे डेप्ट कहते हैं तो ये ठीक ठाक डेप्ट है। बाकी अगर इसके R1W की बात करें तो लगभग R1W इसकी सही चल रही है, और आपको PB इसका दिख रहा है वो पैट मार्जिन आपको लगभग 11 इसका जो 11.32% आपको देखने के लिए मिला है। और अगर मैं कंपनी की जो बात करूँ, IPO ओपन होगा ये आपको बताया मैंने, आपको 23 तारीख को ओपन होते हुए दिख जाएगा, और बेसिक जो लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी आपको 25 तारीख को आपको क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो लगभग आपको जो अलॉटमेंट होंगे 26 तारीख को आपको अलॉटमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। और रिफंड की बात करें तो लगभग आपको रिफंड जो मिलेगा यानी जो अगर अलॉटमेंट नहीं मिलते आपको तो रिफंड आपको उसके अगले दिन कर दिया जाएगा यानी 27 तारीख को। पर आपको अलॉटमेंट कहाँ पे चेक करना है, किस वेबसाइट पे करना है, उसके लिए आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेसिकली आप बात करूँ तो मैं कंपनी के जो
डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स वो 27 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट का तो लगभग 30 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। बाकी कट ऑफ टाइम की बात करें तो लगभग ये भी शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी 25 तारीख तक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पहले पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको बताया है, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक भी देखी है तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को और कमेंट करना। और अब दोस्तों मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। अब मैं बात करूँ तो कंपनी का जो सेक्टर है, कंपनी का सेक्टर बढ़िया मुझे लगा देखने के लिए, पर अगर मैं बात करूँ कंपनी के जो फाइनेंशियल, तो कंपनी के फाइनेंशियल तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग देखने के लिए नहीं मिले, और वैल्यूज तो थोड़ी बहुत सही लगी, ऑनली पॉजिटिव लगी। और पहले मैं आपको पॉजिटिव बताऊँगा, उसका नेगेटिव की ओर आपको ले चलूँगा। पॉजिटिव ये है कि वैल्यूएशन कंपनी के जो है वो मुझे थोड़े कम देखने के लिए मिले, कंपनी ने थोड़ा अपने सेक्टर में भी स्मॉल कैप कंपनी है, और अभी उसको हम कुछ कह नहीं सकते कि कंपनी क्योंकि अभी इसका GMP ओपी ओपन नहीं हुआ, इसकी एंकल लिस्ट भी आना भी बाकी है। तो आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी मैं इसको अवॉइड करूँगा कि इसमें लगभग 1,30,000 रुपये तक के लगेंगे, और बाकी और अपकमिंग IPO आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। और मैं बात करूँ तो दोस्तों मैं बहुत कम चांस होते हैं जिसमें मैं SME जो सेक्टर होते हैं ये जो आते हैं SME के जो 1-1.5 लाख के होते हैं, मैं बहुत कम रेयर चांस होते हैं जिसमें मैं अप्लाई करता हूँ, लगभग 10% तक ही मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा मैं अप्लाई करता हूँ जैसे NSE और जो BSE पे लिस्ट होते हैं, जो थोड़े लार्ज कैप कंपनी होती है वो अपना IPO लेकर आती है, तो उनमें हम सोचते हैं कि अप्लाई करने की। बाकी स्मॉल कैप कंपनी भी थोड़ा रिस्क भी हमें ज़्यादा लग सकता है क्योंकि अभी इसकी सब्सक्रिप्शन भी ओपन नहीं हुआ है, और इसका अभी GMP भी कुछ पता चल नहीं रहा, तो मैं भी होल्ड मैं तो इसको अवॉइड करने की सोच रहा हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको आगे मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट में, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी सिखाएंगे हम आपको, स्टॉक मार्केट भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। बस आपको वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर मतलब शेयर कर दो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करना एवरीवन, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आप कंटेंट के जो टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी, और शेयर करने से आपको आपके जो और अदर जो फैमिली मेम्बर या आपको जो फ्रेंड्स है उसको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप लाइक करें या ना करें IPO में। तो मैं तो इसे अवॉइड करने की सोच रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर जरूर लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट करना, और बाकी आप अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे किस टॉपिक पर चाहिए उसका भी आप मैं बता सकते हो। बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, आप अपने रिस्क और अपने एनालिसिस को कोडिंग ही अप्लाई करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर करना, क्योंकि अगर आप इधर से ज्वाइन होंगे तो आप इससे हमें फ्रॉड का शिकार बन सकते हो। तो फ्रॉड आप ना फ्रॉड का शिकार ना बनो, इसलिए कह रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी के माध्यम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाएगी। बाकी आपको बिटकॉइन सब कुछ सिखाएंगे, बस आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और एक और नया अपकमिंग IPO और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।